तो होंगे मार्केट में बड़े मजेदार सी कीनू आए हुए माल्टे वगैरह आए हुए हैं तो क्यों ना तला की इस नेमत का फायदा उठाया जाए और मजेदार सा मीठा बनाया जाए आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मजेदार सा और डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जितना ही आसान है ना उतना ही मजेदार होगा और आप लोग ना इसको बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से बिसमीम बढ़ के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना रही हूँ तो एक पैन में हम लोगों ने दो कप के करीब दूध ऐड करना है साथ ही हम लोगों ने थ्री टू फोर टेबल स्पून चीनी ऐड कर देनी है चीनी की क्वान्टी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी को अच्छे से एक दफ़ा ना हम लोग दूध में मिक्स कर देते हैं और स्लो मीडियम फ्लेम पर इस बिना अच्छे से एक बुआल दिला लेते हैं जब तक तो दूध में अच्छे से बोआइल आ रहा है तो क्यों ना हम लोग कस्टर्ड पाउडर को डिजोल्व करके रख लेते हैं तो मैंने यहाँ पे थ्री टेबल स्पून के करीब वनीला कस्टर्ड लिया है आप लोग यहाँ पे कोई भी कस्टर्ड ले सकते हैं जो आप उनको पसंद हो ऑरेंज कस्टर्ड मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड ही ले लिया है इसके बाद आप लोगों ने हाफ कप इसमें दूध ऐड करना है और उसको फ्री जल्दी से ना मिक्स कर लेना है तो हम लोग इसको कस्टर्ड को डिजोल्व करके साइड पर रख लेते हैं अब दूध में बुआल आने का वेट करते हैं जब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए दूध में बुआल आ चुका है इसके हम लोगों ने फ्लेम स्लो कर देनी है और इसमें जल्दी से कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर था वो ऐड कर देना है और साथ साथ आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है अगर आप लोगों ने ये डाल के छोड़ दिया तो फिर इसके अंदर ना लम्स बन जाएंगे और कस्टर्ड में से करना ना बहुत ही मुश्किल काम है आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी से चलाते रहना है जब तक ना इसके अंदर बॉयल ना आ जाए दूध में कस्टर्ड वाला मिक्सचर डाल के हम लोग ने तकरीबन इसको चार से पाँच मिनट अच्छे से स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चा है वो दूर हो जाए और मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड ना थिक्स रेडी हो जाए चार से पाँच मिनट अच्छे से कस्टर्ड हमारा कुक हो चुका है और इसमें अच्छे से एक दो बॉयल आ चुके हैं तब हम लोग इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू नहीं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मज़ेदार और न्यू न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फूड पे कैमरा के नेम से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी पिक्चर वीडियोज़ टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जल्दी से शेयर करना है ताकि वो लोग भी मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अब मैं आप लोगों को एक से दो घंटे बाद का रिजल्ट दिखा रही कस्टर्ड हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है अब आप लोगों ने विक्स की मदद से से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई लम्स वगैरह होंगे ये जो ना कस्टर्ड के ऊपर मलाई आ जाती है ना तो उसको हम लोगों ने अच्छे से फेंट लेना है ताकि स्मूथ सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाए अब सेकंड स्टेप में हम लोगों ने जेली रेडी करनी है तो मैंने यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर की जैली ली है अगर आपको ऑरेंज कलर की मिल जाती है तो भाई वाह वाह हो जाएगी लेकिन ऑरेंज कलर की मिल ना बहुत ही मुश्किल होती है अगर मिल जाए तो जरूर ऐड कीजिएगा जेली बनाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया था उसको अच्छे से बोआल कर लिया था जैसे उसमें बॉइल आएगा तो फिर आप लोगों ने जेली वाला पैकेट ऐड कर देना है और उसको अच्छे से डिजोल्व कर लेना है बस आप लोगों ने अब जेली को सेट कर लेना है मैं यहाँ पे ना जेली के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस कट कर रही हूँ आप लोग जानते थोड़े मोटे पीसेस भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसका ना जैली एक तरह से चूरा ही बनाया है मैंने रेड एंड ग्रीन कलर की जेली को अच्छे से चंक्स फॉर्म में कट कर लिया अब इनको साइड पर रखने थर्ड स्टेप में हम लोगों ने केक लेना है जो हम लोगों ने कस्टर्ड की लियरिंग में यूज करना है तो मैंने यहाँ पे टी केक लिया है और इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है आप लोगों ने नहीं, नहीं देखी तो चेक कर सकते हैं आप लोगों ने बस यूट्यूब पर सर्च करना है टी केक रेसिपी बस फूड विध निमरा ऐसी परफेक्ट केक की रेसिपी है ना कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी तो उस रेसिपी को वॉच कीजिएगा अब कस्टर्ड की तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बॉल में थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर देना है उसको फैला देना है फिर आप लोगों ने केक के स्लाइसेस को ना ऐड करना है उसकी एक लियर लगा देनी है अच्छे से केक स्लाइसेज की नीचे इसलिए मैंने कस्टर्ड पहले लगाया था ताकि जो हमारा केक वो सुका -सुका है वो सूखा सूखा ना रहे वो अच्छे से मुआइश रहेगी केक की लियर लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा कस्टर्ड और ऐड कर देना है ताकि केक हमारा ना सूखा सूखा सा ना रहे अच्छे से मॉइस्ट केक ही रहे इसको भी आप लोगों ने डाल के ना अच्छे से फैला देना है पूरे केक पर अब इसके बाद आप लोगों ने एक कप के करीब ना ऑरेंजेस एड करनी है मैंने यहाँ पे ऑरेंजेस लिए थे और ना चंक्स फॉर्म में कट कर लिया है आप लोग ऑरेंजेस को क्या कहते हैं मुझे जरा कमेंट्स में बताएगा कीनू माल्टा नारंगी नारंगी या फिर आप लोग इसको ना ऑरेंज कहते हैं मुझे जरूर कमेंट्स में बताए ऑरेंज की आप लोगों ने अच्छे से ना एक लेयर लगा देनी है और फिर इसके बाद आप लोगों ने जेली एड करनी है रेड एंड ग्रीन कलर की और जेली की ऑरेंजेस और ना केक की लेयर को आप लोगों ने अपने हिसाब ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद हो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं अब दोबारा से आप लोगों ने अच्छी सी एक लेयर लगा दी है कस्टर्ड की अब इस बार आप लोगों ने ज़्यादा कस्टर्ड लगाना है और ये मज़ेदार सा इतना टेस्टी बनेगा ना आप लोगों ने इसको छिल करके खाना है जो खाएगा ना बस उसको तो मज़े ही आ जाएंगे अब आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देनी तो मैंने रेड जैलीसी ने इसके बॉर्डर बना दिए हैं दो साइड बनाएंगे मुझे ना चारों साइड अच्छी नहीं लग रही थी तो बस मैंने दो साइड पर इसका बॉर्डर बनाया है अब इसके बाद मैंने ऑरेंजेस का ना थोड़े स्लाइस में कट कर लिया और इस तरीके से ना थोड़ा सा डिजाइन बना रही हूँ जो कि दिखने में भी अच्छा लगेगा बीच में आप लोग चाहे तो रेड कलर की जेली ऐड कर दीजिए या फिर चेरी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं मज़ेदार हमारा डिजर्ट तो यहाँ पे रेडी हो चुका है आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी न इसकी लेयर्स लग रही हैं आप लोग इसको डिश में भी बना सकते हैं और शॉर्ट ग्लासेस में भी बना सकते हैं मैंने ना शॉर्ट ग्लासेस भी दो रेडी किए थे तो आप लोग चेक कर सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ बस इसमें जो मैंने केक है ना वो चूरा करके ऐड किया है और आप लोग चैनल को शॉर्ट ग्लास में बनाएंगे ना तो सबको एक ग्लास दे दीजिए वो भी बड़ा ही अच्छा लगेगा डेजर्ट बनाने के बाद आप लोगों ने इसको दो से तीन घंटे के लिए फ्रिज में रखना है फ्रीजर में नहीं रखेंगे फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से चिल हो जाए और चिल करके आप लोगों ने इसको एंजॉय करना है और जब आप लोगों ने मेहमानों के आगे भी सर्व करना है तो ठंडा ठंडा सा ही होना चाहिए इतना मज़ेदार बना था ना कि बस आप लोग इस रेसिपी को कब ट्राई कर मुझे जरा कमेंट्स में बता दीजिए और ये वाली बाइट जो है ना आप लोगों के लिए जो आप लोग यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोगों को ऐसी ही आसान और मजेदार रेसिपी सीखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप्स में जल्दी से इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए नेक्स्ट रेसिपी आप वीडियो में मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा लाफिस